एक तो हम डालेंगे एयर फिल्टर ये पूरा कंप्लीट न्यू, ठीक है, और फिर यहाँ थ्रॉटल बॉडी क्लीन, ठीक है, और फिर उसके बाद इंजेक्टर क्लीन, और उसके बाद फिर प्लग का नंबर आ गया। हुआ तो मजा आ जाएगा पूरा, पूरी की पूरी लाइन इतनी अच्छी क्लीन हो जाएगी, मतलब पुरानी गाड़ी होने के बाद भी नया का मजा आ जाएगा चला करके। इसको क्लीन करने से क्या होगा, आपकी गाड़ी कभी झटके नहीं मारेगी, हमेशा स्मूथ रहेगी, पिकअप हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये खुला भी 70,000 में पहली बार खुला है। बाहर बाहर से दिखा दो, ये पहली कंडीशन और ये तो बाहर से है। ये जो मेन चीज है ना, ये होना चाहिए, देखिए ये। अरे वाह, अब क्या है, ये मशीन भी फेल है, शुरुआती दौर में डल जाता है। अच्छा, तो ये कभी खराब नहीं होता। यहाँ पे दिलवाए में बुश भी पूरा डल चुका है। डल अभी जैसे पहले देखा तो एक तो यहाँ क्लिप होना चाहिए, ठीक है, और ये वाइब्रेट कर रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। और सबसे मेन अहम चीज जो है ना, ये कूलेंट की बोतल है, ये देखिए नीचे ना ब्रैकेट लगा होता है, उस ब्रैकेट में नहीं लगाया, देखिए, ठीक है जी। कूलेंट वाला डब्बा था, इसको क्लीन करने के लिए स्पेशल तेजाब उजाब के अंदर डाला हुआ है, तो इससे पूरा चमक जाएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाना है। तो गाड़ी तो भाई लगी हुई है, भैया यहाँ पे खुद सफाई करने में लग गए अपनी गाड़ी के लिए, देख रहे हो चमका दी, पहले बोतल की कंडीशन कैसी थी, अब क्या करने में लगे हुए। 70,000 किलोमीटर चलने के बाद ये कंडीशन है, देखो कुछ भी नया नहीं लगा है भैया। आप लोग देख रहे हो तो कुछ भी नहीं नया है, नहीं तो सही मायने में सब कुछ नया कह सकते हैं भाई, सारा कुछ नया डल गया, बट ऐसा नहीं है। एक्सीलेटर देना, यहाँ से देखे पानी टपक रहा है, अब भाई आपने बहुत सुना है गाड़ियों के डॉक्टर, गाड़ियों के डॉक्टर एक बार देख भी लो, सज्जन लाल भैया सामने, और इनके गले में क्या टांगा हुआ है, आला टांग रखा भैया ने, भैया क्या करते हो इससे? नहीं नहीं, वो ऐसे तो वाकई में डॉक्टर ही है। हाँ, देखो हमारे और डॉक्टर में कुछ फर्क नहीं है दोस्त। हाँ, अच्छा वाला आदमी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो चलने के काबिल नहीं होता। हाँ, लाखों की गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो किसी काम की नहीं होती है। सही बात है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इतना साइलेंट है और जेन्युइन आवाज है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे जैसे डलेगा ना इसके अंदर जादू, देखते रहना ये देखो, पहले नजदीक से देखने के बाद पता नहीं चला था, पहले दिख भी नहीं रहा था, कितना डालना है कितना नहीं कुछ पता नहीं। नया ऑयल डाल रहा हूँ, ठीक है, ये जो तेल है इसमें फ्लैशिंग करके, मैं बता रहा हूँ कभी जिंदगी में इंजन में ना तो जंग लगे, ना तो कार्बन आएगा, ना तो कुछ है। इस चीज में आपकी गाड़ी का इंजन फ्लैश होगा, मतलब जितनी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब गाड़ी में मजे वाली बात देखो, यहाँ पे पूरा भाई मारुति सुजुकी का अपना जो ओरिजिनल ऑयल आता है वो भी इसके अंदर डलवा दिया। लेकिन अभी ये जो निकाला हमने तो देखा, इसकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है। ओ भाई साहब, ये कैसे फ्लो देगा जैसा आप पहले कह रहे थे। ये देखो भाई क्या है, सर्विस का मतलब होता है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कैलिपर, ब्रेक, ऑल टॉप, ये सारी चीजें चेक होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। अब जैसा कि आपको मैं लास्ट वीडियो में एक बताया था कि मैंने डिजायर परचेज करी थी, तो आज समय आ गया है कि अपने डिजायर की सर्विस कराई जाए। यहाँ पे हमारे साथ करोल बाग से अपने सज्जन लाल जी। सज्जन लाल जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया भाई सब। इनके पास आया था कि सर्विस करानी है मुझे, तो सर ने खुद ही मुझे रिकमेंड किया कि नहीं भैया सर्विस करने से पहले बार टेस्ट ड्राइव जरूर लेंगे, तो इन्होंने जो है अभी गाड़ी का जो टेस्ट ड्राइव है वो कहीं नहीं कर रहे, तो भैया क्या लग रहा है गाड़ी में कोई कमी वमी ऐसा कुछ? हाँ, गाड़ी अभी जो चलाने में मुझे लग रहा है, मैं कंडीशन के हिसाब से आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है और बढ़िया है चलने में, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो रीडिंग के हिसाब से काम है। हाँ, जैसे लगभग कितना 73,000 चल गई है ना। हाँ, 73,470, तो कुछ रीडिंग के हिसाब से और ईयर के हिसाब से काम तो है, ठीक है। तो जैसे थोड़ी सी आवाज साइडों में, ब्रेक की हल्की सी पकड़ कम है, ठीक है, तो ये सब क्लीनिंग करूंगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इंजन नॉइज तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन जब सर्विस करके इंजन आला वाला बदलूंगा तो बिल्कुल और अच्छा, एकदम बिल्कुल चिक साउंड हो जाएगा, ठीक मतलब है, पता नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से चला के देख रहा हूँ। हाँ, अलाइनमेंट भी आपका तकरीबन ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से और बढ़िया चेक कर दूंगा, जो धागे से बारीक धागे से इसकी कमी होगी, ठीक है, तो वो भी कम्प्लीट क्लीन हो जाएगा। तो भाई अपना ये जो पूरा काम है ये हो जाएगा, बाकी रीडिंग आप लोग भी चेक कर लो एक बार। 73,000 समथिंग की जो अपनी गाड़ी है वो चल चुकी थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने गाड़ी इतनी भी परचेज करी थी। एसी वैसी कैसे चल रहा है भैया? एसी ठीक है, इसका फ्लो थोड़ा कम है, तो एसी फिल्टर वगैरह चेक करूंगा तो वो भी कंप्लीट ओके हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज तो है अपना जितना भी गाड़ी में काम रहेगा ना सर्विस से रिलेटेड, वो सारी चीज आज पूरी करा देंगे, बाकी जो मेजर उजर रहेगा गियर ऑयल वगैरह मैं बाद में सोचूंगा भैया कि वो बाद में चेंज कराई जाए, है ना, थोड़ा सा रुक के कराएंगे। बाकी आज के डेट में सर्विस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जो मिसिंग विसिंग आपने देखी थोड़ी बहुत मिसिंग भी है, तो भी अपनी गाड़ी में आज सॉल्व हो जाएगा ना। मतलब एक बार मैं अभी कर दूंगा तो आप रीडिंग लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, आज का डेट, नेक्स्ट डेट, किलोमीटर, ताकि आपको 10,000 किलोमीटर तक बोनट खोलने की जरूरत ना पड़े। क्या बात है, ये क्या एक साल या 10,000 किलोमीटर के लिए सर्विस होती है, ठीक है, उसमें जो सारी चीजें चेकअप में होगा वो सारी चीजें जो ठीक है वो चेक कर देंगे, जो खराब है उसको चेंज कर देंगे, ताकि आपको ये रहे कि एक साल तक सोचने की जरूरत ना पड़े या पूरे 10,000 किलोमीटर तक कोई टेंशन ना हो, ऐसा लगे कि मैं नई गाड़ी लेके आ रहा हूँ। ठीक, इस तरीके से मैं आपकी गाड़ी कर रहा हूँ।
चलो जी, तो आपको यहाँ पे भैया ने जो है टेस्ट ड्राइव तो कहीं ना कहीं ले ली है, बाकी देखते हैं कि भैया किस तरीके से बाकी गाड़ी के अंदर जो है वो काम हो रहा है और अपनी गाड़ी में किस तरीके से काम करते हैं वो जेन्युइन रिव्यू आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, तो बने रहना बस। चलो जी भाई, अपनी गाड़ी रैंप पे यहाँ पे लग गई है और भैया सामने तरफ। भैया अभी आप कुछ कह रहे थे इसके बारे में, क्या हुआ इसमें, क्या लगा हुआ है? अभी जैसे मैंने गाड़ी बोनट खोला चला के देखा, चलने में जो था वो तो था ही। हाँ, अभी जैसे पहले देखा तो एक तो यहाँ क्लिप होना चाहिए, ठीक है, और ये वाइब्रेट कर रहा है। हाँ, इसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, ठीक और है। सबसे मेन अहम चीज जो है ना, ये कूलेंट की बोतल है, ये देखिए नीचे ना ब्रैकेट लगा होता, उस ब्रैकेट में नहीं लगा, देखिए, ठीक है जी। और अच्छा, मतलब ये तो कभी भी निकल जाए तो पूरा की गाड़ी ओवरहीट जाएगी, कभी निकल जाए ना, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं इसको बाहर कभी भी एक बोल्ट पे कभी भी टूट के निकल सकता है, ठीक है जी। और दूसरी चीज, ये सीएनजी गाड़ी है। हाँ। और सीएनजी गाड़ी में आप देखिए बैटरी का ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है, ये ब्रैकेट ऐसी कैसी निकला हुआ पड़ा हुआ है। हाँ। मतलब है तो ये छोटे लेकिन बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, ये बैटरी कभी गिर सकती है। हाँ। ये एमुलेटर ऐसी पड़ा हुआ है, तो ये हर चीज ना अपने जगह पे छोटी छोटी चीजें करके प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अंदर बैठा हुआ तो एक बटन मिला, ये ओरिजिनल बटन है, जल्दी मिलता नहीं है, दौड़ का है, ठीक है। तो ऐसे कई चीजें अभी अंदर निकलते जा रही है। अभी तो बोनट खोलने के बाद ये दिख गया सामने, अब इसका मैं काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या क्या निकलता वो देखते, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताते रहिएगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे सॉल्व होगी। अच्छा, इससे इतना रेडिएटर है, रेडिएटर फ्लश कराने की जरूरत पड़ता है, फिर कूलेंट फ्लश कराने की जरूरत पड़ता है पुरानी गाड़ी में? ये अभी इसका कूलेंट खोल करके देखते हैं क्या कंडीशन है, अगर जरूरत पड़ी तो रेडिएटर फ्लैश डाल करके अगर फ्लैशिंग करके फिर कूलेंट डालेंगे, ठीक है। और ये बोतल जो आपको दिख रहा है अभी मैं बाहर जब निकालूंगा तो इसका कंडीशन बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। अभी बाहर नहीं दिख रहा ना कि कितना इसमें है, तो इतना चमकता हुआ नजर आएगा, ऐसे लग रहा है बिल्कुल नया डल रहा है, होगा पुराना, ठीक है, क्लीन होगा और उसके बाद बाहर से आपको लेवल दिख जाएगा, ठीक है जी। ये लो जी, तो भैया ने कूलेंट भी यहाँ पे निकाल दिया। कूलेंट है इसके अंदर वैसे? अब कूलेंट देखो आपको नजर आ रहा कहाँ? दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा ना, लेकिन यही बोतल होगा जब इसमें कूलेंट दिखेगा तो आपको ऐसे निकाल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब दूर से दिख जाएगा। हाँ। कि गाड़ी में कितना हल्का सा मैं दिख पा रहा हूँ, यहाँ तक है। हाँ। और होना चाहिए यहाँ तक, अच्छा दिखाई नहीं दिया ना किसी, ये लो मिनिमम मैक्सिमम यहाँ तक होना चाहिए, दिखाई नहीं दिया तो ऊपर से कई बार लोग डाल देते हैं। हाँ हाँ। लेकिन एक्चुअल में जो होता है ये यहाँ से चेक किया जाता है कूलेंट का लेवल क्या है, वो अभी आ जाएगा। हाँ। ये जो ब्रैकेट होता नीचे, हाँ। ये नीचे फंसा नहीं था, एक बोल्ट पे ऐसे टंगा हुआ था और ऐसे ही डांस कर रहा था, ठीक है। तो अभी अभी ये लगेगा तब देखना है कैसा होगा। अब यहाँ पे देखो भैया ने क्या क्या चीजें खोल दी है, ऊपर का अपना जो एयर फिल्टर का हाउसिंग होता है पूरा खुल गया है, और बहुत जगह पे आप ये चीज देखोगे नोटिस करोगे कोई भी ना बंदा ये चीज खोल के साफ नहीं करता। अब इससे होता क्या मेजर दिक्कत वो भैया बताएंगे, और छोटा सा मैं बता देता हूँ इसके अंदर, अगर ये चीज आप साफ नहीं कराते हो डे टू डे लाइफ में तो यहाँ पे ना अंदर रस्टिंग जम जाती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, उससे क्या होता है भैया जंग लगने चांसेस होते हैं, अंदर जंग लग जाता है, फिर ना पानी चला जाता है, बॉडी गल जाती है। हाँ। अंदर वाइपर की मोटर होती है वो जाम हो जाती है, ठीक है जी। तो अभी तो मैं पहली बार मेरे पास गाड़ी आई इसलिए मैं खोल के देख रहा हूँ, लेकिन इसमें देखूंगा मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मिट्टी होगी, और जब क्लीन हो जाएगा ना तो जितना बारिश का पानी होगा तुरंत निकल जाएगा, नहीं तो मिट्टी में जब पानी जाता था तब में एक हफ्ता सूखने में लग जाता है, इसकी वजह से जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। तो ये चीजें क्लीन करना बहुत जरूरी है वरना फिर पानी गाड़ी के अंदर जाता है, अंदर जाता है पूरा जंग लग जाता है अंदर का। तो गाड़ी के अंदर भी आ चुके भैया, क्या दिखाने वाले थे एक बार दिखाने से, अंदर से जो एसी फिल्टर होता है ये देखो, सबसे पहले ये दिखाला जाता है ग्लोबो, ठीक है जी। उसके अंदर ना एक एसी फिल्टर लगा होता है, अब मैं जो देख रहा हूँ एसी फिल्टर को कवर करने वाला जो इसका कवर होता है वो इसमें है ही नहीं, मिसिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली निकल जा रहा है, ये कवर होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा एयर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लगा देंगे, लेकिन अभी ये जो निकाला हमने तो देखा इसकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है। ओ भाई साहब, ये कैसे फ्लो देगा जैसा आप पहले कह रहे थे, है ना? वो चलाने में कर रहा था, चल तो रहा, लेकिन देखने के बाद ये देखिए ये चीज़, ठीक है जी। ये क्या हुआ, काम तो हुआ लेकिन सही टाइम पे चेक नहीं हुआ और क्लीन नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसका ए टू जेड चेकअप चालू हो रखा है, जो जो निकलता हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई क्या है, अब यहाँ मोटर लगा हुआ है, यहाँ जाकर रुक जाता है, यहाँ सुराख देखो बंद है, ठीक है जी। अभी बारिश होके चली गई लेकिन ये सारी की सारी मिट्टी गीली है, अभी क्या जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जंग उधर लगना स्टार्ट हो भी गया, सही मायने में ना जंग लगा हुआ है, थोड़ा बहुत ये चीज हो, अभी पूरा क्लीन हो जाएगा, मोटर हटेगा उसके बाद बढ़िया हो जाएगा, पानी गिरेगा और अपने आप निकल जाएगा। सर्विस का मतलब होता है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कैलिपर, ब्रेक, कॉल टॉप, ये सारी चीजें चेक होता है। अगर हम कॉल टॉप नहीं खोलते तो पता नहीं चलता कि ये नट ढीला है कि नहीं, बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी पूरा ढीला पड़ा था। अब ये सारी चीज करने के बाद ना फिर उसके बाद कस्टमर बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, भैया मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी हो गई है, चिंता है नहीं कि डॉक्टर ने बोल दिया जाओ अब जैसे मर्जी खाओ पियो मत रहो, उस तरीके से ठीक हो जाती है। कूलेंट वाला डब्बा था, इसको क्लीन करने के लिए स्पेशल तेजाब के अंदर डाला हुआ है,
तो इससे पूरा चमक जाएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाना है। यहाँ रबड़े लगी थी वो खराब है, ये हो जाएगा सपोर्ट में, मोटर बॉडी क्लीन हो जाएगा। स्पार्क प्लग खोल करके देख रहा हूँ चेंज या चेक, अभी उसको भी कर रहा हूँ। ठीक है, मेन चीज ये है जो जरूरी, कोई खोलता नहीं, इसको खोल करके वो चेक करना पड़ेगा। भैया ने एक चीज और बताई कि इतनी भी कॉइल सारी नई ओरिजिनल जो कंपनी से आती है वही डली हुई है, है ना, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज ठीक है। अंदर जो अपना प्लग होता है उसको देख लेते हैं उसका क्या कंडीशन है, बाकी नीचे ऑयल ड्रेन अपना जो है वो भाई करने में लगे हुए, ऑयल भी निकल जाएगा। तो गाड़ी तो भाई लगी हुई है, भैया यहाँ पे खुद सफाई करने में लग गए अपनी गाड़ी के लिए, देख रहे हो चमका दी, पहले बोतल की कंडीशन कैसी थी अब क्या करने में लगे हुए हैं, देख रहे हो। सर ये अपना काम है, कहते काम कोई छोटा नहीं होता है, खोटा नहीं होना चाहिए, जो अपने काम से प्यार करता उसको कभी दिक्कत आती नहीं। भैया हम तो ऐसा आज तक ऐसा ही देखते हुए हैं कि भाई बंदा बैठा रहता है ऑनर दुकान पे और कहता है भाई तू ये काम कर ले तू ये काम कर ले, पर खुद कोई कहीं नहीं आता फ्रंट में। नहीं नहीं बिल्कुल, क्या है हमारा ऊपर वाले ने दिमाग दिया, उसको लगाना ही तो है और करना क्या है। अब देखो ना हमारे पास बाल्टी पहले से आती है, हमने थोड़ा दिमाग लगाया टोटी लगा दिया, फिर कई बार हमें यहाँ वाइपर का मोटर लगा दिया। अरे वाह, तो छोटी छोटी चीजों का ना और प्रेशर चाहिए, तो आपकी गाड़ी में भी धुलाई करेंगे तो उसमें फ्यूल पंप का मोटर लगा दिया ताकि आपकी गाड़ी का धुलाई हो सके। सही बात है, दिखेगा एकदम मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट दिखेगा यहाँ तक, यहाँ तक पहले यहाँ तक भरा हुआ था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कुछ और चीजें भी देख लो, यहाँ पे भैया ने इंजेक्टर उठा लिया, कुछ इस टाइप का अपना इंजेक्टर होता है, तो क्या दिक्कत है भैया इसके अंदर? देखो ये इंजेक्टर है, हाँ। गाड़ी चलती रहती, लोग चलाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही क्या होता, सही टाइम पे अगर सही काम किया जाए ना तो कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है। ठीक है जी, मैंने गाड़ी की रीडिंग देखते हुए, आप अच्छे कस्टमर है, पहले मैंने आपकी गाड़ी और भी ठीक किया हुआ है, हाँ। आप दोबारा आए हो, तीसरी बार आए हो, तो मैं सोच रहा हूँ बिना कहे वो काम कर देना चाहिए। इसमें हमारा थोड़ा टाइम लग रहा है, पैसे बहुत कम लग रहा है, टाइम लग रहा है हमारा, ठीक है, पर कोई नहीं। अभी ना आज तक खुला ही नहीं है, हाँ। इतना ज्यादा काला खो रखा और जमा हुआ है, हल्के हल्के सुराख होते हैं बिल्कुल, हाँ। ये मशीन से खुलेंगे, अभी जब मशीन पे लगाएंगे ना, हाँ। तो कंप्लीट क्लीन हो जाएगा। इसको क्लीन करने से क्या होगा, आपकी गाड़ी कभी झटके नहीं मारेगी, हमेशा स्मूथ रहेगी, पिकअप हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये खुला भी 70,000 में पहली बार खुला है। थोटर बॉडी तो नॉर्मल हर कोई क्लीन कर देता है क्योंकि बाहर से हो जाता है, ठीक है, ठीक है। बट अब क्या होगा, एक तो हम डालेंगे एयर फिल्टर, ये पूरा कंप्लीट न्यू, ठीक है, और फिर यहाँ थोटर बॉडी क्लीन, ठीक है, और फिर उसके बाद इंजेक्टर क्लीन, हाँ। और उसके बाद फिर प्लग का नंबर आ गया, हाँ। हुआ तो मजा आ जाएगा पूरा, पूरी की पूरी लाइन इतनी अच्छी क्लीन हो जाएगी, मतलब पुरानी गाड़ी होने के बाद भी नया का मजा आ जाएगा चला, हाँ। ये सही बात है, ये होता है जनरल। और फिर सफाई की बात रही, सफाई में बोतल आपने देखा था, अब आप मैं कूलेंट डालूंगा तो सामने दिखेगा ग्रीन कलर का, बाहर से पता चल जाएगा, प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा जितना नट बोल्ट होगा। अभी वाइपर का मोटर पूरा क्लीन होकर के लगेगा, ठीक है जी, उसके बाद जस्ट पूरा इंजन क्लीन हो जाएगा, इंजन क्लीन होगा अपना, और साथ ही यहाँ पे अपना जो है अभी इसके नीचे अपने लगे होते हैं प्लग, होते हैं प्लग लगे हुए, अभी भी खुलेगा, ठीक है, ये भी मैं निकाल करके क्लीन करूंगा। ओके, इससे जितनी भी छोटे मोटे नट बोल्ट रॉकेट क्लिप गाड़ी पूरी टाइट हो जाएगी, मजा आ जाएगा भाई गाड़ी में, मजा आ जाएगा। चलो भाई गाड़ी कैसे सही नहीं चलेगी यहाँ पे देखो, भैया के बाद एक बार इंजेक्टर दिखा दो, फिलहाल बाहर बाहर से दिखा दो पहले कंडीशन, और अभी तो बाहर से, और अभी जो अंदर से साफ करूंगा ना अंदर, जैसे ना अंदर पेट की सफाई होती है, हाँ। उसकी सफाई वो देखो बिल्कुल यूनिक होगा, अलग होगा और सामने दिखेगा, अच्छा तो जवाब ही नहीं है, क्या बात है ये जी? बाहर का साइड है, जैसे हमने साबुन से नहा लिया, हाँ। ब्रश हो गए, लेकिन अंदर पेट साफ होना चाहिए, इसका भी करके दिखाता हूं, क्या बात है। यहाँ पे देख रहे हो इतने सारे जो ताम जाम है भैया, पता नहीं कौन कौन से स्प्रे पेट्रोल वेट्रोल सबसे साफ करने खुद कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये लगती है भैया की अच्छी चीज, ये खुद से काम करते हैं जिससे कि सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो एक बार देखते हैं कैसे से मशीन से कैसे सफाई होती है, मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार देखूंगा जब से मैं गाड़ी में काम करा रहा हूँ, मैंने नहीं देखा, मशीन अलग है, हाँ। इसका अलग है, अभी मैं दिखाता हूँ भी करके, अच्छा आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूँ जो मतलब बिल्कुल अलग होगा और यूनिक होगा, ठीक है। ये इंजेक्टर है, बाहर से मैंने क्लीन कर दिया, ठीक है, ये इसका कॉयल है क्लीन हो गया, ये इसका पूरा थोटर बॉडी क्लीन हो गया, ठीक है। स्पार्क प्लग एनजीके का मैं मारुति से कंपनी से ही मंगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या होता है जो कभी कौन नहीं लोग खोलते, ये होता है इंजेक्टर, ठीक है। आपने देखा बाहर से कितना ज्यादा जमा हुआ था, बिल्कुल क्लीन, तो ऊपर से तो क्लीन करना आसान है, लेकिन ये जो मेन चीज है ना ये होना चाहिए, देखिए ये। अरे वाह, अब क्या है ये मशीन भी फेल है, ये मैंने एक पाइप लगाया हुआ है, यहाँ से लाइन बंद किया हुआ है, यहाँ स्प्रे का पाइप लगा दिया, यहाँ से करंट दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल दोनों काम दोनों हो गया, इससे पूरा इंजेक्टर हो गया क्लीन, ठीक है, ये फर्स्ट है। अब ये देखो भैया ने इसको नई नवेली दुल्हन बना दिया, ये तो बिल्कुल पहले कैसी हालत थी और अभी कैसी हो गई है। इंजेक्टर भाई इन्हीं सब चीज़ों से ना गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, अब गाड़ी जो लाइन अपनी जितनी क्लीन रहेगी गाड़ी उतनी अच्छी चलती है, उतनी साफ सुथरी चलेगी। और अभी अपन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये सभी चीज़ डलने के बाद जितना भी चीज़ है इस गाड़ी के अंदर वो सारी अपन लोग जो मारुति जेन्युइन डलवा रहे हैं, चाहे वो ऑयल फिल्टर हो या फिर अपना एयर हो, एयर फिल्टर हो, साथ ही अंदर का जो फिल्टर एसी फिल्टर वो हो गया, इंजन ऑयल हो गया, प्लग हो गया, सारी चीज़ जो है अपना जेन्युइन मारुति का डलने वाला है, तो ये सारी चीजें डलेंगी इसके अंदर इंजेक्टर फिटिंग करने में लगे हुए। अरे भैया बहुत बार ये सुनते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर इंजेक्टर फेल हो जाता है, इंजेक्टर फेल से क्या मतलब दिक्कत आती है लोगों को? इंजेक्टर फेल
गाड़ी से क्या होता है ना कि जैसे क्या है, अभी इसमें चार इंजेक्टर है और चारों लाइन टाइमिंग के हिसाब से प्रॉपर पेट्रोल जाना चाहिए। ठीक है। अभी जिस तरीके से चौक हो रहा था, हाँ। एक चौक होता दो चौक हो जाता ना, तो क्या है पीछे से प्रेशर आता तगड़ा। ठीक है। और इंजन में जाता नहीं, जाता तो गाड़ी मिसिंग भी कर जाती है और कई बार डायरेक्ट हो जाता है जो टाइमिंग के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ। तो डायरेक्ट पेट्रोल इंजन को देता है। हाँ। और ऐसा भी हुआ कि इधर से पेट्रोल जा रहा हूँ, साइलेंसर से पेट्रोल निकलता है, ऐसा अच्छा। भी हुआ। कितनी बार ऐसा है पेट्रोल साइलेंसर से निकलता हुआ, वहीं पे ब्लास्ट होने का चांस होता है। अच्छा। ये चीज अगर टाइम से होगा ना तो कभी ऐसा प्रॉब्लम कभी आता ही नहीं है, सही मायने में। वही है भाई, उसके लिए ना बहुत सारा टाइम, बहुत सारा सिस्टम लगता है। सर्विस करने के लिए आधे घंटे में सर्विस कर देंगे, लेकिन प्रॉपर आप खुद कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में कम से कम पूरे 3 घंटे लगने वाले हैं। तीन घंटे में लगने वाले, 50,000 किलोमीटर के लिए छुट्टी भी है। सही बात है। साल के लिए कोई चिंता भी नहीं है। बिल्कुल सही है, तरीके से ही होता है। तो बाकी भाई इसकी फिटिंग वुटिंग जो है सारी चल रही है स्टेप बाय स्टेप। देखो ये डिटेल वीडियो रहने वाली है, इसलिए मैं सोचा था कि क्योंकि ना बहुत सारे भाई डिजायर ऑन करते हैं, कोई भी गाड़ी ऑन करते हैं, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, हर गाड़ी के अंदर सेम ही होती है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी गाड़ी में, आप जब भी सर्विस कराओ तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर पर्टिकुलर पर्सन से इस चीज़ की डिमांड करो कि आपकी गाड़ी में वो भी इस तरीके की चीज़ें करके दें। भाई जब इतना काम करा रही थे तो पहली सर्विस थी, पता नहीं पहले क्या थी गाड़ी कंडीशन। अब जेनुअनली भाई देखो, आप जब पुरानी गाड़ी लेते हो तो आइडिया नहीं होता, तो यहाँ पे एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंजन फ्लश करवा देना चाहिए एक बार, है ना। ये चीज़ें तो बार बार नहीं होती भैया, बहुत सालों में एक बार होती है। ये नहीं, ये तो कम से कम एक बार 3-4 साल के बाद, हाँ। या 50,000 किलोमीटर के बाद करना होता है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है। जैसे कि हमने पहले पुराना ऑयल निकाल दिया, ठीक है। ठीक है जी। फिल्टर उल्टर को देखते हुए सर्विस लेट हो गई थी। अभी क्या कर रहे हैं, पुराना ऑयल निकाल दिया, नया ऑयल डाल रहा हूँ। ठीक है। वैसे मैं ये तो इदू मिर्ची का बढ़िया तेल डाल रहा हूँ। हाँ। फ्लैशिंग के लिए एक अलग से तेल मंगाता हूँ स्पेशली, वो थोड़ा खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी ये तो और सोने पे सुहागा है। हाँ। अब ये जैसे पुराने ऑयल में हम फ्लैशिंग डालते हैं ना, वो अलग हो जाता है। ये जो तेल है इसमें फ्लैशिंग करके मैं बता रहा हूँ, कभी जिंदगी में इंजन में ना तो जंग लगे, ना तो कार्बन आएगा, ना तो कुछ है। अभी जब देखेंगे दोबारा इसको करने के बाद, तो जब गेज से तेल को चेक करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, उसके लिए स्पेशली कहीं पेपर पे रख के चेक करना होगा। अच्छा। हाँ। अब इस चीज में आपकी गाड़ी का इंजन फ्लैश होगा। हाँ। मतलब जितनी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब नया तेल डालेंगे अभी मारुति का, तो फिर तो उसका जवाब ही नहीं। चलो जी, ये भी बढ़िया हो जाएगा अपना पूरा। ठीक है। तो ये भैया ने इंजन फ्लश भी डाल दिया, और अंदर जो अपना था ना वो इंजन ऑयल था, वो भी ब्रांड का ही था। यहाँ पे देख लो भैया जो है, पहले कहीं ना कहीं आप रिकमेंड करते हो इंजन ऑयल के लिए भी, है ना। तो ये सारी चीज है, और ये भी 5W30 ही है यहाँ पे। आप जापानी तेल है। ठीक है। कोई नॉर्मल तेल नहीं है, कच्चा तेल नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी तो 419 रुपये इसकी MRP भी आती है। इस तरीके से भाई पूरा है, इससे भी आप फ्लश कर रहे हैं इंजन अपना। तो चमचमाती अपनी पूरी गाड़ी हमें पैक हो रही है, इसके अंदर अपना पूरा नया नया जो है जेन्युइन मारुति का प्लग लग चुका है अपना। इंजेक्टर मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि इसके अंदर जो अपना फिल्टर होता है, फिल्टर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, अंदर वाले फिल्टर भी रखे हैं, ऑयल भी यहाँ पे रखा है पूरा, सारा जो जितना ही पार्ट भी यहाँ डाला है सारा मारुति का ओरिजिनल डाल दिया, जिससे झंझट ही खत्म हो जाए भाई। कुछ भी लोकल हो या फिर मार्केट वाले कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, जो चीज़ डल रही है, जो तेल डल रहा है, जो पानी डल रहा है, सब ओरिजिनल डल रहा है। ये लो जी भैया जो है अपना नया कूलेंट भी ले आए अपने मारुति का पूरा। ठीक है। अब जैसे जैसे डलेगा ना इसके अंदर जादू देखते रहना। ये देखो, पहले नजदीक से देखने के बाद पता नहीं चला था, पहले दिख भी नहीं रहा था कितना डालना है कितना नहीं, कुछ पता नहीं। ठीक है। तो पहले जो हमने कूलेंट इससे निकाला था वो हटा दिया, साइड कर दिया, उसमें रखा हुआ है ना। टॉपअप वाला जो है अपना नया कूलेंट ही डाल दिया पूरा, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन टॉपअप कर रहे हैं ना, तो क्या होगा इससे, क्या पूरा का पूरा कूलेंट एकदम नया हो जाएगा। तो ये भैया जो प्री मिक्स आता है मिक्स वाला, ये नहीं प्योर है, ये मतलब प्योर है, इसमें मिक्स करना पड़ेगा। अब ऑलरेडी जो इसमें इंजन में है ना ऑलरेडी, वो मिक्स हो जाएगा, वो समझ लो मिक्स हो जाएगा, ये उसी में जाएगा इंजन में। ठीक है। अब फुल हो गया। हाँ। आप अगर देखेंगे ना बाहर से पता चल जाएगा मेरी गाड़ी में कितना, पहले नहीं पता चल रहा था। हाँ। इसलिए कहाँ तक यहाँ तक भरा हुआ था। ठीक है। तो वही है ना, जरूरत है आधे पेट की, जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो बैग मारेगा। हाँ। अब इसकी फिटिंग हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। ये तो देख लो, ओरिजिनल नट लगाया जा रहा है, ये ओरिजिनल नट है। इस पे भी अगर आप देखोगे तो मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स इस पे मेंशन हो रखा है। पहले वाला क्या था, इसके जो ये थे ना सारी गराड़ियां थी वो खराब हो गई थी, तो खुल नहीं रहा था वो। अब यहाँ पे प्रॉपर भाई पूरा काम इस गाड़ी के अंदर पर कंप्लीट हो चुका है, भैया इसको फिट कर देंगे। बेसिक बेसिक काम है, अब जो बचा हुआ रह गया जैसे बेसिक मैंने बताया आपको, तो उसके अंदर अपना डिस्क बेल्ट का जो सारा काम है वो रह गया, ब्रेकिंग से रिलेटेड जो काम है अभी वो रह गया, बाकी पूरी गाड़ी अपनी ओके हो चुकी है। अब गाड़ी में मज़े वाली बात देखो, यहाँ पे पूरा भाई मारुति सुजुकी का अपना जो ओरिजिनल ऑयल आता है वो भी इसके अंदर डलवा दिया। लोग कैस्ट्रोल भी लगवाते हैं, ऐसा नहीं कैस्ट्रोल ख़राब है, मतलब हम लोग ने यही रिकमेंड किया कि भाई अपनी गाड़ी में बहुत टाइम बाद पहली बार गाड़ी ली है, अभी पुरानी है जैसा कि आपको बताया, तो सर्विस पहली बार ही करा रहे हैं, तो सोचा कि उन्हें जो भी चीज़ डल रही है मारुति की ओरिजिनल डल जाए। तो यहाँ पे दे दो रिफाइनमेंट इसका, ये पूरा डल जाएगा इसके अंदर, और गाड़ी में सच में मज़ा आने वाला है। अब देखते हैं, पहले तो यहाँ पे बहुत वाइब्रेशन भी थी,
अब देखते हैं वाइब्रेशन खत्म हुई नहीं हुई, वो तो मेन चीज देखने वाली है। पूरा ऑयल डल गया, 3.5 लीटर होता है अभी आपने? हाँ पूरा कंप्लीट 3.5 लीटर होता है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे को ना, मतलब 99% से लेकर के 100% कोई डाउट नहीं रहे, एकदम क्लियर है। हाँ मारुति की गाड़ी है, सारा पार्ट्स ओरिजिनल डल गया। हाँ। 27 साल का तजुर्बा है काम करने का। हाँ। नट को कितना टाइट करना है, पेस्ट कहाँ लगाना, रॉकेट बटन कहाँ, ये सारी चीज कंप्लीट करके आपकी गाड़ी को टाइट कर दिया गया। ठीक है जी, मतलब जो 70,000 में थोड़ी हिली डुली थी ना। हाँ। वो सब कुछ फिट हो गया। हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे कोई भी रॉकेट बटन ऐसा नहीं होगा जहाँ पूरा ना होगा। हाँ। मारुति का है तो मारुति का ही है। ठीक है जी, इस तरीके से गाड़ी जब सर्विस होती है ना फिर चलाने में आपको मजा आएगा। अब भाई आपने बहुत सुना है गाड़ियों के डॉक्टर, गाड़ियों के डॉक्टर एक बार देख भी लो। सज्जन लाल भैया सामने और इनके गले में क्या टांगा हुआ है, आला टांग रखा भैया ने। भैया क्या करते हो इससे? नहीं नहीं, वो ऐसे तो वाकई में डॉक्टर ही हैं। हाँ। देखो हमारे और डॉक्टर में कुछ फर्क नहीं है दोस्त। हाँ। अच्छा वाला आदमी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो चलने के काबिल नहीं होता। हाँ। लाखों की गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो किसी काम की नहीं होती है। सही बात है। तो जनरल चेकअप मैंने कर दिया है A to Z। फाइनल जो चेकअप होता है ना उसके लिए रखा हुआ है आला। हाँ। क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, कई बार ना कोई साउंड करता है वगैरह वगैरह तो पता नहीं चलता अल्टरनेटर में है या डिस्ट्रीब्यूटर में है, किसी चीज में नहीं देखते। ठीक है, तो इससे बिल्कुल क्लियर। पहले क्या होता था हम लोग पेशकश लगाते थे। हाँ। वो पेशकश कई बार ना कान में घुस गया जाकर के। हाँ। लेकिन अभी क्या है बिल्कुल क्लियर, जैसे मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। हाँ। अल्टरनेटर है ये, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इतना साइलेंट है और जेन्युइन आवाज है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरीके से वाटर पंप। ठीक है, इतना स्मूथ चल रहा है, पूछो मत। इसके अंदर आवाज आती है ऐसे के अलग अंदर। हाँ। बढ़िया आवाज आ रही है, दिल की आवाज पकड़ लेती तो गाड़ी की आवाज है। हाँ। ये इंजेक्टर पे रखेंगे ना। हाँ। जिस तरीके से इंजेक्टर टाइमिंग के हिसाब से काम कर रहा है, पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, इससे जितने भी चीज, हाँ इस माउंटिंग में हल्की सी धड़कन है नॉर्मल, बट अभी वो चलेगा। ठीक है, ये चीजें होती है जैसे, उसके बाद ही ना अगर मान लो कहीं आवाज भी है तो हल्का सा इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मतलब तेल डाल दो जैसे बेल्ट में, कई बार उंगली नहीं जाती ना। हाँ। हम लोग डालते हैं जब ड्राई होता है बेल्ट, तो हल्का सा तेल डाल सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, और ज्यादा लूज है तो एना बोंड भी लगा के चला सकते हैं, ये सारी चीजें। बट ये है कि हल्का हल्का सा तेल डाल दो जहाँ जहाँ जाना है, देखिए कैसे ना हल्का सा पुल्ली के ऊपर बस। अब इससे क्या है पूरा का पूरा आदमी बच जाता हाथ डालने से वगैरह से। तो जिस तरीके से गाड़ियाँ बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सारा सिस्टम बदल, उसे हमें इसे आपको अपडेट करना पड़ता है। ठीक है जी, फाइनली आपकी गाड़ी ये कंप्लीट हो गई है, अब हमें चला के देखना है और स्टार्ट करके देखते हैं कलेंसर से पानी निकल रहा है नहीं, मिसिंग तो नहीं कर रही है, करना जरा स्टार्ट। गाड़ी यहां से बिल्कुल स्टार्ट है, कोई मिसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मीटर में देखिए कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, सीट बेल्ट जो है नहीं लगा हुआ इसलिए लाइट आ रही है, हैंड ब्रेक उठा हुआ है इसलिए ये लाइट आ रही है बस। ठीक है, और कोई है ना, और पीछे आके देखिए, जरा एक्सीलेटर देना, एक्सीलेटर दो, अभी देखिए ये पानी गाड़ी स्टार्ट हो गया, एक्सीलेटर देना, यहाँ से देखिए पानी टपक रहा है, ये देखिए, यही होती है गाड़ी सही मायने में एक्चुअल जो जेन्युइन चीज। इंजन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, आपने देख लिया पूरा, अगर मिसिंग होती ना तो यहाँ धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, पानी भर भर के निकल रहा है तो मतलब बिल्कुल ओके, गाड़ी में कोई मिसिंग है नहीं। अब भाई गाड़ी खुलवाई अपने डिस्क पैड वगैरह डलवाने के लिए, तो एक चीज और दिख गई, सोचा इसको भी करा दिया जाए। ये देखो भाई बड़ा दर्द होता है जब खुलता है, देख रहे हो गंदगी गंदगी निकलती नीचे से, तो ये चलो ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी। ये जो अपना है चिमटा होता है, चिमटे की ना ये रबड़ यानी कि बुश जो होता है, बुश अपना ये ख़राब हो चुका था भाई। ठीक है, पूरा कटा हुआ है, अगर आप यहाँ से देखते हो कटा हुआ है, तो सोचा कि इसको भी चेंज कर दिया जाए। डिस्क पैड अपना डल रहा है और ये जो अपना डिस्क है पूरा, इसको क्या कराएंगे अपन लोग, रात से इसको फेस करा देंगे, जिससे कि डिस्क अपना जो ब्रेक है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंगेज हो पाएगा। बाकी इधर का भी खुल चुका है और इधर का जो अपना चिमटा था ना वो अपना ओके कंडीशन में बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई भी कट फिट नहीं है, तो ये अपना सही है, इसको चेंज नहीं करवा रहे। सारी चीज़ें तो हो गई भाई, आगे पीछे सारा कुछ खोल खाल दिया, यहाँ पे पीछे वाला अपना जो ब्रेक शू का पूरा सेट होता है ना, ड्रम का पूरा सेट अपन लोगों ने ओपन कर दिया, कवर था ये, और यहाँ पे देखो ये पूरे अभी फर्स्ट बार खुला है। अच्छा, 70,000 किलोमीटर चलने के बाद ये कंडीशन है। हाँ। इसमें पार्ट कोई नहीं नया डलेगा। ठीक है, लेकिन इसी को क्लीन करना होगा। हाँ। बहुत बढ़िया तरीके से केमिकल वगैरह लगा करके, जो सारे के सारे पार्ट बिल्कुल नया जैसा काम करेगा। ठीक है, मतलब कोई ब्रेक शू चेंज नहीं होना, व्हील सिलेंडर चेंज नहीं होना। बस आप देखते हैं सफाई के बाद इसका क्या ब्रेक शू। ठीक है, इसका बिल्कुल सही है, अभी चलेगा 1,00,000+ चलता है। अच्छा, तो कम से कम 30,000 किलोमीटर तो ये चलेगा, प्लस ही चलेगा। पहले कंडीशन देखी थी ना आपने ब्रेक शू की, अभी देखो एक बार, ये देखो कुछ भी नया नहीं लगा है भैया। आप लोग देख रहे हो तो कुछ भी नहीं नया है। हाँ। नहीं तो सही मायने में सब कुछ नया कह सकते हैं भाई, सारा कुछ नया डल गया। हाँ। बट ऐसा नहीं है, जो दिखा रहे हैं वही करते हैं। इसकी कंडीशन अभी भी देख लो, इसके ड्रम की। हाँ। अभी भी इसमें पूरा काला काला रखा है, और ये भाई इसके अंदर से जो गंदगी निकली देख रहे हो। अच्छा, ये सफाई भी किस चीज से हुई है? हाँ। जो इसका पुराना ब्रेक आयल है उससे हुआ। हाँ। जो अक्सर लोग एयर निकाल करके नीचे वेस्ट कर देते, मैंने एक बूंद
ब्रेक आयल कभी वेस्ट नहीं करता हूँ और एडजस्टर बिल्कुल बढ़िया हो गया, हैंड ब्रेक एक नंबर पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखो अपना बुश भी पूरा डल चुका है, ठीक है, मतलब खैर आदिया से भी डल के आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी देख लो डिस्क का जो अपना पूरा होता है भाई सीन खराब हो गया इसके ऊपर। अब भाई डिस्क ब्लेड मतलब ब्रेक अच्छी लगेगी, अब ब्रेक लगे ना बढ़िया दोनों साइड से भाई इसको मतलब जो है खराद पे इसको क्या किया जाता है फेस हुआ था ना ये भी अपना डिस्क पैड जो है ये भी नया डल जाएगा। और बाकी यहाँ पे बाकी काम जो है वो चल रहा है उस साइड का, मैंने आपको दिखाई दिया था ब्रेक अपना जो है पूरा ड्रम क्लीन हो गया था, अब एक ये रह गया और डिस्क पैड लगना है बाकी है। उसके बाद ऑयल भी डल जाएगा इसके अंदर पूरा शुरुआती दौर में डल जाता है। अच्छा तो ये कभी खराब नहीं होता, ये सूखा पड़ा था, ये सूखा पड़ा था, ये कटता नहीं, कभी खराब होने वाली चीज नहीं, लेकिन सूखा चलने को इतना पिले आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो ये छोटी चीज है, छोटी चीज करके बहुत बड़ा बचत होता, पर यहाँ तक थोड़ा ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, एक स्पेशली कौन करेगा तो ये सब चीजें करने में हम लोगों को ज्यादा टाइम लगता है। भरपूर होना चाहिए, मतलब अच्छी मात्रा में होना चाहिए जिससे कमी ना पड़े। हाँ अंदर कवर होता ग्रीस भी चलना होता, सूखा चलेगा तो प्लास्टिक आपस में टच होके टच होगा, तभी तो पिले आया हल्का सा, ये देखो ना पिले बहुत कम होता। हाँ ठीक है, बस इतने इसके लिए ही बाकी इन सब में कोई ऑयल नहीं डालना। नहीं नहीं, नहीं नहीं, तो अंदर का अलग चीज है। लो जी यहाँ पे अपना जेनुइन काम हो गया पूरा, डिस्क पैड अपने पूरे लग चुके, डिस्क मैंने फेस हुआ था दिखाई दिया था आपको, और उस साइड का पूरा अपना जो है क्या था चिमटी, चिमटी भी जो है वो भी टाइट हो गई, उसमें बुश भी लग गया। तो अपनी गाड़ी आपने देख ली, डिजायर का सर्विस भी मैंने कर दिया अपना। तो भैया अब सारी चीजें तो कम्प्लीट हो गई, अब आप बता दो कि अपने भाई लोग जो वीडियो देखे हैं जितनी मेहनत की इन्होंने पूरी वीडियो देखने के लिए, सुबह से शाम हो गई रात हो गई अब तो कैसे आ सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके पास? देखो किशन भाई ये तो आपकी पर्सनल गाड़ी है। हाँ। आपने पहले काम कराया हुआ था, पूरी तसल्ली थी, आप दोबारा आए। हाँ। और स्पेशल टाइम लेकर के आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कोई टाइम लेकर के आता है, क्योंकि काफी दूर से लोग आते हैं और अगर सही टाइम से उनका काम ना हो पाए तो बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, आना और फिर पूरा दिन रुकना, फिर ट्रैफिक में जाना, सही बात है। हालांकि आप तो जानते हो, इसलिए फिर भी हमने लगाया पूरा टाइम, अभी भी अंधेरा हो ही गया लेकिन काम पूरा तसल्ली का हो गया। आपने देखा, अपने सामने देखा, सारा कुछ देखा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ जो मैंने वीडियो में बनाया है इसमें कोई फ्रॉड तो है नहीं, सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन है। जो कंपनी का सामान डाला वही डाला गया है, जितना तेल डाला, जितना सफाई हो सकता वो सारा कुछ हुआ। ठीक है जी, ये ना मेरा काम करने का आदत है। हाँ। तो बोलते हैं आदत, कोई बाहर से पहली बार आएगा उनके साथ भी अगर टाइम देंगे तो ऐसे काम होगा, जो रेगुलर कस्टमर है उनका भी ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके से आज 27 साल से मुझे काम करते हुए हो गया, 15-20 साल से जो जुड़े हुए वो जुड़े रह गए, और माउथ एडवाइजिंग चलता है, और इसी तरीके से इतने अंदर मैं बैठा हूँ और काम कंटिन्यू लगा रहता है। जितनी गाड़ियां लगी हैं 8-10 गाड़ियां एनी टाइम हमेशा वेटिंग में होती है। ठीक है, और रात को 10-11 बज जाता, तो मैं भी चाहूंगा आप लोग टाइम लेके आओ और पूरी तसल्ली का काम कराओ, और कराने के बाद बाकायदा आपको लिख के दूंगा जो आगे मैंने स्टिकर लगा दिया है आपने देख ही लिया है, 10,000 किलोमीटर या फिर एक साल तक। ठीक है, इस तरीके से चला सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 50,000 किलोमीटर के लिए तैयार कर दिया। ठीक है, कुछ चीजें हैं 1,00,000 किलोमीटर के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है जी, इस तरीके से काम करता हूं। तो अपनी शॉप मतलब एक बार एड्रेस बता दो, फोन नंबर बता दो अपना। हाँ, यहाँ पे है मेरा मोबाइल नंबर है 9868355478। ठीक है, सजन लाल मेरा नाम है। कभी भी आना हो तो करोल बाग, अगर पटेल नगर की तरफ से आते हैं मेट्रो पिलर नंबर 81 से लेफ्ट होते ही सामने गोल चक्कर है, उस पार्किंग के अंदर मेरा काम है। यहाँ स्पेस अच्छा है, पहले मैं मार्केट में था, मेन मार्केट में, लेकिन यहाँ स्पेस अच्छा है तो इधर काम करने में थोड़ा शांति है, इसलिए इधर आ गया। फोन करके आए ज्यादा बढ़िया होगा, आप दूर से आएंगे पूरी तसल्ली करके दूंगा, यही मैं करता हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ। बाद में आपको पर्चा मोटर रजिस्टर में भी लिख के दे दूंगा, 5 साल बाद भी पूछेंगे मेरी गाड़ी में क्या काम हुआ तो भी मैं बता देता हूँ। एक बार थोड़ा सा रजिस्टर दिखाता हूँ, उससे आपको और पता लगेगा। देखिए जैसे नहीं कस्टमर लिस्ट है, ये सब कस्टमर बहुत पुराने हैं, और कभी भी अगर हम इनका कोई भी पेज नंबर मान के ऐसे पलटते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ संजय बिसेन सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, यहाँ पे फीडबैक दे करके जाते हैं, क्या लिखते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके से लोग फीडबैक दे करके जाते हैं, इतने साल से जानता हूँ ऐसा करता हूँ। तो मेरा ये जब भी आप आओगे तो रजिस्टर में आपकी गाड़ी का सारा लिखा होगा। ठीक है, और पूरी तसल्ली के साथ काम करता हूँ, ऐसा हो फिर आप फीडबैक दे सकते हैं।